आदरणीय ललितेश मणि त्रिपाठी जी, यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय बाल कुमार पटेल जी, आदरणीय साकेत बिहारी मिश्रा जी, आदरणीय पंकज मिश्रा जी जिला अध्यक्ष, हमारी आदरणीय संपत पाल जी, हमारे विधायक आदरणीय कोल साहब एवं आदरणीय पप्पू पांडे जी, आदरणीय किंचन चाचा, सभी उपस्थित कांग्रेस के योद्धा, कांग्रेस के लोग, आप देखो कि लगातार चीजें बदल रही है। ये चित्रकूट भूमि है जहां भगवान राम ने 11.5 साल अपना वनवास का टाइम व्यतीत किया था। ये चित्रकूट भूमि है जहां हमने और आप, हमारे और आपके पूर्वजों ने भगवान राम का आतिथ्य किया था। कोई गुजरात और बंबई और दिल्ली से आके भगवान राम के पैर के कांटे निकालने के लिए इस भूमि पे नहीं आया था। ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई असली राम भक्त और नकली राम भक्तों के बीच में लड़ाई है। उसका रिजल्ट आज से 2 साल पहले 2017 में जब चित्रकूट में उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजी रोटी खा के वापस चले गए थे, क्योंकि असली राम भक्त और नकली राम भक्तों के बीच की लड़ाई है। इसलिए आप ये सोच लो कि सबक सिखाने का वक्त है। वो ऐसी आग लगी मध्य प्रदेश में, ऐसी आग लगी चित्रकूट चुनाव से कि भोपाल में जो शिवराज सिंह चौहान की सोने की लंका थी, उसको चित्रकूट की बानर सेना ने दहा के राख कर दिया। और आज हमारी कांग्रेस की सरकार है और हमारे कमलनाथ जी वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में हर दिल, हर व्यक्ति की, हर समाज, हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर है और विकास के लिए और जा रहे हैं। भटकने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत गहरा फर्क है। ये भगवान राम का सौदा करके सत्ता में आते हैं और हम हर आदमी के अंदर भगवान राम की खोज करते हैं और उनको, हर राम को मान के उनकी सेवा करने की क्षमता रखते हैं। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आप देखो, जब जब चुनाव आता है, जब जब चुनाव आता है, तब तक इनकी गाय इनकी माता हो जाती है और चुनाव के बाद इनकी माँ गायब हो जाती है। रोड में रोज एक गाय मरी मिलती है, कोई गाय के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस की नीति, देखिए मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार गौशालाओं का निर्माण हो रहा है और हर ग्राम पंचायत में एक एक गौशाला का निर्माण शुरू हो गया है, ताकि हम गाय, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उसकी हम व्यवस्था कर सके। ये कांग्रेस की सरकार करती है। आप देखो, जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, वैसे एक तरफ से किसानों का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है और कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति की बात सुनती है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति का दर्द समझती है। भटकने की जरूरत नहीं है। जो लोग अन्य दल के प्रत्याशी हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बंबई में रहता है, लेकिन हमारे बराती भाई आदरणीय रंजना पांडे जी, जो हमारी करवी की बहन है, ये यही रहने वाले हैं, आपके साथ हर सुख दुख में साथ देने वाले हैं। इसलिए हमको साक्षी मानना पड़ेगा कामतानाथ स्वामी को, इसलिए हमको साक्षी मानना पड़ेगा अपने दोनों हाथ उठा के कामतानाथ को, कि बराती लाल जी की बरात को लखनऊ पहुंचाना है, तब जाके मऊ मानिकपुरा चित्रकूट क्षेत्र का विकास संभव है। ये मत सोचो आप, अरे अभी क्या है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, योगी बाबा बैरागी लोग बैठे हैं। मेरा सभी साधु संतों से अनुरोध है, जो सत्ता की लालच में पद पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, चित्रकूट के दरवाजे खुले हैं, आए और आश्रम बना के भगवान का भजन करें। सत्ता करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भेजें, क्योंकि रोज रोज चाहे वो शाहजहांपुर का कांड हो, चाहे कोई भी कांड हो, वो सारे वो नकली साधु लोग हैं। असली साधु तो हमारे चित्रकूट में रहते हैं, जो आज भी टाटी घाट और सती अनुसुईया और थारकुड़ी आश्रम में सिर्फ और सिर्फ भजन का काम कर रहे हैं। हम लोगों को तय करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि ये चुनाव
सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, क्या होगा वोट देने से? नहीं, वही होगा जो मध्य प्रदेश में 2017 में हुआ था, कि जब 2018 में मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। वही इतिहास मऊ मानिकपुर चित्रकूट क्षेत्र से दोबारा रचने का वक्त आ गया है कि लखनऊ में भी 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो यह माना जाएगा कि जो सोने की लंका थी उसमें भी चित्रकूट के क्षेत्र ने फिर से आग लगा दी और योगी जी आपकी लंका को ध्वस्त कर दिया है। ये मऊ मानिकपुर के लोगों को तय करना पड़ेगा। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस भाजपा सपा बसपा का चुनाव नहीं है, ये गांव की बहन गांव की बेटी और बाहर से आने वाले बाहुबली और पैसे से मजबूत लोगों का चुनाव है। ये आपके स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि मऊ मानिकपुर के क्षेत्र के लोगों के अंदर पानीदारी है कि नहीं है। अगर पानीदारी है मऊ मानिकपुर के क्षेत्र के लोगों के अंदर, तो हमारी बहन रंजना पांडे को लखनऊ पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि मऊ मानिकपुर के लोग चित्रकूट क्षेत्र के लोग अपनी बहन और बहुओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं। इसलिए आशीर्वाद स्वरूप आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मिलकर अपनी बहन रंजना पांडे को लखनऊ पहुंचाने का काम करना है। और बराती भाई की जो बारात दिख रही है, लगातार जाम जाम पे जाम दिख रहा है, हमारे पुष्पेन भाई भी बैठे हुए हैं, इस बारात को भी हमको ले जाके लखनऊ में पहुंचाना है ताकि इनको पता चल जाए ये चित्रकूट भूमि सत्य की भूमि है, यहाँ झूठ चलता नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी बातें चलती नहीं है, यहाँ तो वही चलता है जो भगवान राम की इच्छा होती है, यहाँ तो वही चलता है जो कामता नाथ की इच्छा होती है। इसलिए मेरे साथ आप सब लोग अपने हाथ उठाइए और कामता नाथ को साक्षी मान के बोलिए कि हम पूरे तन मन धन के साथ बहन रंजना पांडे को लखनऊ भिजवाएंगे और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ बोलिए कामतानाथ स्वामी की जय। बोलिए कामतानाथ स्वामी की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नीलांशु भैया जिंदाबाद। रंजना पांडे जिंदाबाद। नीलांशु भैया जो हमारे चित्रकूट के विधायक है, आपने विचारों को सुना।